मुझसे बहुत लोग सवाल करते हैं क्या वाइटनिंग इंजेक्शंस लेने चाहिए, क्या ये हमारे लिए सेफ़ है कि नहीं, कितने इंजेक्शंस लिए जाएं तो हमें फ़र्क पड़ता है, क्या ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, इसके हमारे जिस्म के ऊपर कोई मनफी असरात मुरतब तो नहीं होते। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब, और मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि आज हम इसको लेकर अपना नॉलेज इम्प्रूव कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है, मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हूँ। इस वक्त मैं हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल DHA फेस फाइव स्थाटिक्स गुलबर्ग में बतौर कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछने में आ रहा था कि क्या वाइटनिंग इंजेक्शन इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं, और इनके रिजल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। तो मैं आज इस शॉर्ट से सेशन में कोशिश करूंगी कि मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि वाइटनिंग इंजेक्शंस बेसिकली हैं क्या। इसके अंदर कुछ हर डिफरेंट प्रैक्टिशनर्स जो हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट्स, वो अपनी डिफरेंट अप्रोच के साथ इसको यूज़ करें। ग्लूटाथायोन इटसेल्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है जो नेचुरली भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो हम इसको थोड़े एक्सोजिनस सोर्स के थ्रू देते हैं IV इंजेक्शंस की फॉर्म में, वो हम उसकी थोड़ी सी बल्क डोज देते हैं कि वही एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो है वो बल्क डोज में अचीव हो जाए। इसके साथ हम कुछ सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं, वो सप्लीमेंट्स भी बॉडी के लिए सब बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब देखा जाए तो रंग गोरा करने के ऊपर डायरेक्टली इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो जिल्द की रंगत है वो एक पिगमेंट से बनती है जिसको हम मेलानिन कहते हैं। तो इसका डायरेक्ट मेलानिन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं, ये उनको बॉडी से कम करता है, उनको बॉडी से रिलीज़ करवाता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के अंदर एक ग्लोइंग इफेक्ट आता है। दूसरा ये कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत रोल प्ले करता है, ख़ासतौर पर जैसे कि अभी हमारे पास पिछले दिनों में कोविड का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, तो इस वजह से इसका एक ये कोलेटरल साइड इफ़ेक्ट भी है कि इससे हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब कौन लोग ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं? ये इंजेक्शन सब लोग लगवा सकते हैं, सिवाय वो लोग हम हिस्ट्री में रूल आउट करते हैं जिनको कोई गुर्दों का मसला ना हो, जिन्हें कोई लिवर का इशू ना हो, जिन्हें पहले किसी किस्म के इंजेक्शन से कोई एलर्जी ना रही हो, या ग्लूटाथायोन उन्होंने पहले लगवाया उनको सूट ना किया हो। कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हिस्ट्री में रूल आउट करना ज़रूरी होते हैं, उसके बाद यू आर गुड इनफ टू गो, आप इंजेक्शन दे सकते हैं। फिर इसका रिज़ल्ट कितनी देर के बाद आता है? यूजुअली एक 10 to 12 इंजेक्शंस का कोर्स होता है, वंस वीकली जो लगाए जाते हैं। आपके लिए वन टाइम वो कोर्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आपको कुछ होम केयर रिजीम्स बताई जाती हैं जिसमें सनब्लॉक होता है, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, नाइट क्रीम होती हैं, आप वो यूज़ करें तो वंस वीकली इंजेक्शन के साथ ऑलमोस्ट 2 to 3 months के अंदर आपका एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपको वाजिया फ़र्क नज़र आता है अपने कॉम्प्लेक्शन में। फिर आप आ जाते हैं एक मेंटेनेंस रिजीम के अंदर, उसके अंदर डिफरेंट पेशेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चलाया जाता है। कुछ पेशेंट्स को बूस्टर डोज लगाई जाती है आफ्टर एवरी 3 months, और कुछ पेशेंट्स को हम सिर्फ वाइटनिंग क्रीम्स पर और सन ब्लॉक्स के ऊपर ही मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा भी आपके जहन में कुछ वाइटिंग इंजेक्शन से लेकर रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।